Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So yes, आज से मैं आपके लिए लाई हूँ एक brand new series for your summer vacations. So अगर आपको Python की थोड़ी सी भी knowledge है, आप इस summer coding camp को join कर सकते हैं. And this summer coding camp is absolutely free. So यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि Python language, Python programming language को use करके आप कैसे छोटी छोटी games बना सकते हो. उसके लिए हम कुछ लाइब्रेरी सीखेंगे, जैसे कि टर्टल, रैंडम, पाई गेम, PyTTSX3, OS, टाइम एंड अ बिट ऑफ मोर लाइब्रेरीज, जो आपको हेल्प करेंगी टू ऐड एनिमेशंस, टू मेक ड्राइंग्स, टू ऐड साउंड्स, टू ऐड द फैसिलिटी ऑफ चूजिंग रैंडम मूव्स. तो वो सब यूज़ करके हम कुछ गेम्स बनाएंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको. और उसके बाद मैं आपको टिकिंटर लाइब्रेरी भी कराऊंगी, विच इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. तो हम वो भी इस कोर्स के अंदर करेंगे. तो ये आपके पूरे समर वेकेशन चलेगा एंड यू विल बी गेटिंग वीडियोस एवरी ऑल्टरनेट डेज. सो दैट इज़ यू विल बी गेटिंग इट मंडे, वेंसडे, फ्राइडे. सो आज वेंसडे है, आज से शुरू कर रहे हैं. सो आपको इसकी वीडियोज़ ऑल्टरनेट डे पर मिलती रहेंगी. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाय मुझे पाइथन नहीं आती, काश आती होती तो मैं भी ये कोर्स कर पाता, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. पाइथन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर एक है, आप वो वॉच कर सकते हो. न्यू पाइथन सीरीज इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो. सो कल से बिल्कुल पाइथन 0 लेवल से शुरू हो रहा है इसी चैनल पर, तो आप उसे देख सकते हैं और वहाँ से आप पाइथन सीखने के बाद इसको साथ साथ भी कर सकते हैं. सो दैट इज़ टोटली अप टू यू. तब आपको कुछ वीडियोज़ रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी. फाइन, वैसे भी ये रिकॉर्डेड ही होने वाली है. सो वो रिकॉर्डेड आप आज देखो, कल देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. सो दीज आर रिकॉर्डेड वीडियोस. बट इफ यू वांट लाइव लेक्चर्स फॉर द सेम दैट यू वांट लाइव लेक्चर्स फॉर दिस गेम डेवलपमेंट, और यू वांट लाइव लेक्चर्स फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सो वो लाइव लेक्चर्स भी आप अटेंड कर सकते हो एंड दैट टू फॉर फ्री. सो उसमें दोनों तरह के ऑप्शंस हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं. बट कहाँ पे अटेंड होंगे वो लाइव क्लासेस? वो लाइव क्लासेस मैं यूट्यूब पे नहीं लेती हूँ, वो लाइव क्लासेस मैं लेती हूँ अनअकैडमी पे. सो अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पे आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं जो कि फ्री भी होती हैं. सो दिस इज़ माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी. आप इस प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो करेंगे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ऐप इज़ एब्सोल्युटली फ्री टू डाउनलोड, आप वेबसाइट से भी कर सकते हो. इसमें फ्री क्लासेस होती हैं, तो आप यहाँ स्पेशल क्लासेस में जाके क्लासेस अटेंड कर सकते हो. जैसे कि अभी ये समर कोडिंग वर्कशॉप लाइव भी चल रही है अनअकैडमी पे, रोज़ सुबह 11:30 बजे क्लास होती है. सो आप वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. अनदर थिंग, अगर आपको अनअकैडमी के बारे में पता है, बिकॉज हियर वी हैव द बेस्ट एजुकेटर्स फॉर यू, एंड ऐसा हो नहीं सकता कि ना पता हो, बट इन केस आप नए भी हो, आपको नहीं भी पता है, सो अनअकैडमी पे we have everything for you. We provide you the best stuff, we provide you the best details. और अभी एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है, and that offer is कि अभी आज और कल अगर आप subscription लेते हो Unacademy की, so that will cost you 20% less. Yes. So, कल रात 12 बजे तक ये ऑफर आप अवेल कर सकते हो. आपको 20% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल एग्जाम प्रिपरेशन, चाहे आप IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे JEE, चाहे NEET, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको 20% ऑफ मिलेगा जब आप मेरा कोड AL Coders यूज़ करोगे. राइट, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, क्लास 11th एंड 12th के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. राइट, सो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर डायरेक्टली. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे. सो अभी बेस्ट टाइम है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो, या आपके घर में कोई CBSE के बच्चे हैं 6 से लेकर 12 तक, उनके लिए लेने का सोच रहे हो. सो गो अहेड, टेक इट एंड टेक 20% ऑफ विद माई कोड, ठीक है. सो दैट कोड विल हेल्प यू डू दैट. तो अभी शुरू करते हैं हम टर्टल लाइब्रेरी. टर्टल लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है, टर्टल लाइब्रेरी पहले से होती है. तो आप चाहे पाइथन IDLE में काम करो, चाहे आप पाइचाम में काम करो, या किसी भी इंटरफेस में काम करो, दैट लाइब्रेरी इज़ ऑलरेडी देयर. तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और वहाँ पर हम इसको इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है. तो आप क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट टर्टल. आप चाहो तो इसका अलायंस भी दे सकते हो. पहला प्रोग्राम है, तो मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें बताऊंगी यहाँ पे, कि हम टर्टल का सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. सो मैंने लिखा यहाँ पे turtle.turtle.
हाउ डू वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, दिस इज नेम ऑफ द लाइब्रेरी. इसके अंदर ये एक ऑलरेडी डिफाइंड क्लास है जिसका टी कैपिटल है. तो पाइथन केस सेंसिटिव होती है, जहाँ पे मैं आपको स्मॉल बता रही हूँ वहाँ आपको स्मॉल लिखना है, जहाँ कैपिटल बताऊंगी वो कैपिटल ही लिखना है. सो इस टर्टल का टी कैपिटल लिखना है आपको, और ये जो टी है ये आपकी मर्जी, आप इसका नाम टी की जगह पी दे दो तो भी चलेगा. सो इट्स जस्ट नेम ऑफ द आइडेंटिफायर, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है. और लास्ट में जाकर आप यहाँ पे पी डॉट डन या पी डॉट क्लोन लिख सकते हो टू फिनिश कि हमारा टर्टल का काम हो गया है. पर इसके बीच में हमें काम करना है. आप में से कुछ लोगों ने शायद बचपन में स्कूल में फोर्थ फिफ्थ क्लास में बेसिक लैंग्वेज सिखाते हैं, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, उसमें भी टर्टल पहले स्कूल की बुक्स में होता था. आई डोंट नो आप में से किसी ने किया है नहीं किया है, किया भी है तो अब तक याद है नहीं है, क्या कह सकते हैं ना. बट एनी हाउ, नहीं भी याद है तो देखो इसमें चार मेजर फंक्शंस होते हैं. एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड. फॉरवर्ड मतलब आगे जाना है, बैकवर्ड मतलब पीछे आना है, ठीक है. फिर जब हम चल रहे होते हैं, है ना, या तो मैं आगे चल सकती हूँ या मैं पीछे आ सकती हूँ. अगर मैं चल रही हूँ तो मैं मुड़ सकती हूँ, या तो मैं राइट मुड़ूंगी या मैं लेफ्ट मुड़ूंगी, किसी ना किसी एंगल पे, है ना. सो यही चार चीज़ें यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखनी है. तो अगर आप चाहते हो कि टर्टल आगे को चले तो आप लिखोगे फॉरवर्ड, FD भी लिख सकते हैं, पी डॉट फॉरवर्ड, कितने पॉइंट्स फॉरवर्ड जाना है. मैंने बोला 100 पॉइंट्स फॉरवर्ड जाना है. सो लेट्स सेव दिस प्रोग्राम, इसका नाम मैंने दे दिया T1, ठीक है. T1 आपने टर्टल का पहला प्रोग्राम बनाया, मेक श्योर आप इसका नाम टर्टल ना दो, प्रोग्राम का नाम टर्टल मत देना, ठीक है. सो आप इसको रन करेंगे एंड यू सी ओवर हियर. सो ये जो टर्टल की स्क्रीन होती है इसमें ये पॉइंट सेंटर होता है 0.0, यहाँ से टर्टल शुरू होता है. बाय डिफॉल्ट इट इज़ फेसिंग दिस साइड, वो जो ट्रायंगल आप देख रहे हो उससे आपको उसका फेस पता चल जाएगा. सो इट्स फेसिंग टुवर्ड्स दिस साइड, फॉरवर्ड 100 से वो 100 पॉइंट्स आगे चला गया ऐसे, ठीक है. अब आप इसको कितने भी पॉइंट्स ले जा सकते हो, आप इसको किसी भी एंगल पर मूव कर सकते हो. अगर मैं लेफ्ट मूव करूँगी तो ये ऊपर को जाएगा, राइट मूव करूँगी तो नीचे को जाएगा. आई विल शो यू, मैं आपको करके दिखाती हूँ. सो अगर मैं इसी प्रोग्राम को ओपन करती हूँ और मैं यहाँ पर लिखती हूँ पी डॉट लेफ्ट, और 90 डिग्री मैंने इसको चेंज करा दिया, और उसके बाद मैंने लिखा पी डॉट फॉरवर्ड फिर से 100, ठीक है. अब पी डॉट फॉरवर्ड फिर से 100 और मैं इसको रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये ऐसे गया और ऊपर को गया. सो लेफ्ट से वो ऊपर जा रहा है, ठीक है. यही चीज़ अगर मैं लेफ्ट की जगह राइट कर देती तो ये नीचे को जाता. सो वो आपको एंगल और डायरेक्शन देख के काम करना पड़ेगा. सो इफ़ यू डू दिस ऐसे चला जाएगा, ठीक है. तो वो आप डायरेक्शंस देखते हुए फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट या लेफ्ट कर सकते हो. जैसे अगर आपको अभी सिर्फ एक स्क्वायर ही बनाना है तो आप ऊपर की तरफ अगर स्क्वायर बनाना चाहते हो तो आपने लिखा लेफ्ट 90, फिर फॉरवर्ड 100. अब मैं ऐसे जा रही हूँ तो मुझे फिर मुड़ना है इधर को, तो मैंने फिर से पी डॉट लेफ्ट लिख दिया और फिर से पी डॉट फॉरवर्ड लिख दिया. अब अगर मैं इतना रन करके दिखाती हूँ, है ना, अब आपको नीचे क्या आना है, नीचे आना है तो मतलब एक बार फिर मूव करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे फिर से क्या लिख देंगे, पी डॉट लेफ्ट 100, पी डॉट फॉरवर्ड, सॉरी 100 नहीं 90, है ना. पर मान लो अगर मैंने ऐसे गलती से 100 लिख भी दिया तो एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, आप देखना अभी ऐसे जाया ऐसे जाएगा, है ना. सो वो सीधा नहीं आया, वो ऐसे हो गया क्योंकि हमने एंगल चेंज कर दिया. सो That is totally up to us कि हम क्या एंगल दे रहे हैं, कितनी मूवमेंट दे रहे हैं. अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैम सेम लाइन बार बार लिख रहे हैं, ये कौसी प्रोग्रामिंग है, ये कोई अच्छी प्रोग्रामिंग टेक्निक थोड़ी है, है ना. सो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक. सो इफ़ यू वॉन्ट कि वापस टर्टल की शेप, मतलब उसका मूव वापस इधर ही हो जाए, तो मैंने यहाँ पर फिर से 90 दे दिया. अब आप देखो तो ये जो लाइन है ये चार बार एग्जीक्यूट हो रही है, है ना. This line is executing for 4 times. So why should I write for 4 times? मैं इसको एक बार लिखूंगी और मैं इसको लूप में डाल देती हूँ. For I in range 4. And then I write like this. और मैं इसको अप रन करती हूँ. So जिनको लूप आता है they can easily find out कि लूप से क्या हो रहा है. सेम कोड चार बार रिपीट हो रहा है. सेम कोड चार बार रिपीट हो रहा है. आपका रेक्टेंगल, सॉरी आपका स्क्वायर बन गया क्योंकि साइड सेम है, ठीक है. सो वो कोड आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो लूप से हो सकता है. कलर थोड़े फीके फीके लग रहे हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं पी डॉट कलर. आई वॉन्ट ब्लू कलर, ठीक है. सेव किया मैंने, रन किया, तो अब जो लाइन है वो ब्लू आएगी, ब्लैक नहीं आएगी,
पर आप कह रहे हो कि खाली आ रहा है भाई, ये भरा हुआ होना चाहिए, इसके अंदर कलर होना चाहिए। आप ऐसे जितनी मर्जी शेप्स बना सकते हो। आप यहाँ पे लिखोगे बिगिन फिल, ठीक है, और यहाँ एंड में आप लिख दोगे एंड फिल। सो इससे क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा रेक्टेंगल और वो फिल भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो बन गया हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी आप बना रहे हो। नाउ यू वांट टू मेक अ पेंटागन। सो बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, इसी को मैंने सारे कोड को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कलर दे दिया रेड, और मैं इसका साइज दे देती हूँ, मतलब लूप को सिर्फ मैंने 5 बार चला दिया और कुछ नहीं किया। सो अभी मैंने इसको रन किया, तो आप क्या करोगे, अभी इसको रन किया तो क्या होगा, ये बना, और इसी में ही दोबारा से रेड हो गया, तो वो उसकी ओवरलैप कर रहा है। लेकिन अगर आप हेक्सागन पेंटागन कुछ बनाना चाहते हो तो हम 90 डिग्री पे थोड़े ना मूव करेंगे, सो हमें किसी और डिग्री पे मूव करना चाहिए। सो फॉरवर्ड तो ठीक है, लेट्स से अगर मैं पेंटागन बना रही हूँ तो शायद मुझे 75 डिग्री मूव करना पड़ेगा, नॉट श्योर, आप चेक कर सकते हो। हेक्सागन मुझे याद है 60 डिग्री मूव करेंगे, 6 लाइंस बनाएंगे तो हेक्सागन बन जाएगा। वेरी गुड, सो ये पेंटागन भी बन गया, ठीक है। तो 75 डिग्री पे आपका पेंटागन बन रहा है, 6 साइड्स बनाओगे और 60 डिग्री पे मूव करोगे तो आपका हेक्सागन बन जाएगा, पर वो ओवरलैप हो रहा है, उसी के ऊपर बन रहा है, आप नहीं चाहते वो उसके ऊपर बने, तो आप एक फंक्शन कॉल कर सकते हो सेट पोजिशन। सो ये जो पॉइंट है मैंने आपको बताया था ये 0 0 था, थोड़ा आगे जाना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर एक्स को मूव कर दिया 150 पे और वाई मैंने ले लिया 40 मान लो ये, then I save it and then I run it. अगर ज़्यादा हो रहा है तो कमेंट्स में बता देना कि मैम इतना ज़्यादा हजम नहीं हो रहा है, तो मैं वहीं पे रोक दूँगी। सो ये आपके पास यहाँ पे बन गया, पर ये लाइन बीच में जाती हुई आपको दिख रही है ना। सो इससे ज़्यादा नहीं करते, अभी पहले आप इतना ही ट्राई करना, आई विल नॉट ऐड मोर कमांड टू इट, पहले आप इसको बनाओ, अलग अलग शेप्स बना के देखो, ठीक है। ये जो लाइन है ये क्यों दिख रही है, ये है सेट पोजिशन, मैंने आपको बताया इट्स लाइक अ ग्राफ, बीच में सेंटर है, ये जो साइड है वो आपकी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द ग्राफ, जिसमें एक्स इधर की तरफ बढ़ेगा और वाई ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो मैं एक्स को आगे ले गई 150 पे और वाई को थोड़ा सा ऊपर ले गई 40 पे। अब उस जगह पे जाकर उसने आपका पेंटागन बना दिया, ठीक है। ऐसे ही आप करना चाहते हो एक और, यू वांट टू मेक वन मोर, तो आपने इसको फिर से कॉपी किया, इसको मैं चाहती हूँ थोड़ा इस तरफ को हो जाए, इस तरफ हो जाए मतलब एक्स नेगेटिव में चला जाता है ना इस क्वाड्रेंट में, तो एक्स नेगेटिव में चला जाता है, तो इसको -150 कर देते हैं चलो, एंड इसका कलर कर देते हैं ग्रीन और इसका रेंज कर देते हैं 6 और एंगल कर देते हैं 60, तो ये बन जाएगा मेरा अभी हेक्सागन। सो अभी मैं इसको अगर रन करती हूँ तो एक बनाएगा वो स्क्वायर, फिर आगे जाएगा वहाँ पे बनाएगा आपका और फिर ये गुड, पर ये बीच में जो लाइंस ड्रॉ हो रही है मज़ा नहीं आ रहा है ना, ये जो लाइंस ड्रॉ हो रही हैं इसका मज़ा नहीं आ रहा। अब इसका क्या करें, इसका क्या करेंगे कि जब भी आपको पोजीशन मूव करनी है तो आप क्या कर लोगे, पेन अप। सो पेन अप का मतलब है कि पेन मूव होते हुए दिखेगा नहीं, ठीक है, फिर आप मूव करते हुए दिखाना चाहते हो तो वापस पेन डाउन कर दोगे, फिर आपको जब मूव करना है तो आप पेन अप कर लो, पेन मूव होते हुए दिखेगा नहीं, आपको फिर से दिखाना है तो आप पेन डाउन कर लो। सो बाय डिफॉल्ट पेन डाउन होता है और जब आपका टर्टल मूव करता है तो वो उस रास्ते में ड्राइंग करता हुआ जाता है, जैसे ये भी दिखा रहा है ड्राइंग करता हुआ है ना, पर अब मैंने क्या किया, वो मूवमेंट के टाइम पे बंद करा दिया, तो वो जो बीच वाली लाइन बन रही थी वो नहीं बनी, ठीक है, आया समझ। तो ऐसे ही इसमें कुछ और शेप्स आप ऐड करो, आप ट्राई करो स्टार बनाने का। तो आपका होमवर्क क्या है कि ये 3 शेप्स के साथ मुझे यहाँ पर एक स्टार भी चाहिए। सो फटाफट से स्टार का कोड क्या होगा कमेंट्स में लिख के बताओ, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। ये कोड आप एक बार फिर से देख लीजिए, सो दिस इज द कोड, ठीक है, दिस इज द कोड, दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क ऑन इट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने सिस्टम में बना के देख सकते हो एंड यू कैन वर्क विद इट। इफ यू वॉन्ट तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्लास 12th वाला CBSE का नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मैं उसमें भी ऐड कर दूँगी। So don't forget कि ये summer camp है, every Monday, Wednesday, Friday you will be getting a video and I hope by the end you will be able to create something very good, something very creative and channel को subscribe ज़रूर कर लेना, क्योंकि बिल्कुल free में आपको ये मैं करा रही हूँ
और जितने एफर्ट्स मैं लगा रही हूँ आपको ये सिखाने के लिए, आपको सिर्फ एक हल्का सा एफर्ट करना है कि जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और एक और काम की वीडियो को शेयर भी करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे क्लासमेट्स के साथ, उनको भी दिखाओ कि पाइथन कितनी इंटरेस्टिंग है और वो पाइथन में क्या क्या कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो 20% ऑफ है सारे गोल्स पे, 20% ऑफ ऑन ऑल द गोल्स। सो मेक श्योर यू शेयर दिस वर्ड विद एवरीवन, जिसको भी इंटरेस्ट है, जिसको भी इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, वो ज़रूर आके सब्सक्रिप्शन ले। एंड आई सी यू लाइव ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। फ्री वाली क्लासेस में तो आप कल से ही आ सकते हो, कल सुबह 11:30 बजे आ जाना। अदरवाइज अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वी हैव नंबर ऑफ कोर्सेज फॉर क्लास 11th and 12th, IP and CS बोथ, सारे सब्जेक्ट्स के, और एक ही फीस है, वन फीस सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो एक ही फीस में आप IPCS, PCM, English सब कुछ पढ़ोगे, टेस्ट, वर्कशीट्स, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। सो लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन, द कोड इज ALCODERS, एंड दैट इज इट फॉर नाउ। आई विल सी यू टुमारो, बाय फॉर नाउ।